करते हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद हालात काफी ज्यादा बिगड़ चुके हैं। कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाले हाईवे जलमग्न हो चुके हैं। नेशनल हाईवे 309 पर उफान पर बरसाती नाले जान जोखिम में डाल करके नालों को पार करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि रामनगर नेशनल हाईवे 309 और लगभग 6 से 7 बरसाती नाले उफान पर आ गए हैं, जिन्हें पार करने के लिए लोग अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। कई बार इन नाले को पार करते वक्त लोग हादसे का भी शिकार हो गए। कई बार तो नालों को पार करने के लिए लोगों को पूरी पूरी रात इंतजार भी करना पड़ रहा है। आप देखिए, इस पुल को पार कर रहे हैं लोग अपनी अपनी टू व्हीलर से। इतनी ज़्यादा यहाँ पर बारिश हुई है कि ये जो पूरा नेशनल हाईवे है वो पूरी तरह से ओवरफ्लो हो चुका है, क्योंकि नदियाँ उफान मार रही हैं और वहाँ से पानी बहता हुआ सड़क के रास्ते देखिए हर तरफ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाला ये हाईवे पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है और इसी हाईवे को, इसी पुल को पार करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। जान जोखिम में डालकर नालों को पार किया जा रहा है।